आज हम जानते हैं पंच केदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने चार भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने गए। बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई। माधव, आपकी सहायता के बिना हमारा विजय असंभव था। मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था, उस राह पे चलना तो आप सब पे निर्भर करता है पार्थ। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। वो बड़े दुखी लग रहे थे। आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। हाँ माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, हम इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? ओह, तो इस बात से चिंतित हैं आप। आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। एक महादेव ही आपको भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु क्या माधव? श्री कृष्ण चिंतित हो गए। महादेव आप पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। माधव, आप चिंतित ना हो, वो चाहे कितने भी रुष्ट हो, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगे। हाँ माधव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। कल्याण हो। पांचों भाई काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें वहां शिवजी नहीं मिले। पांचों भाई बहुत ही चिंतित हो गए। यहां तो शिवाजी नहीं है। अर्जुन, वस्तुतः महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसलिए वो हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करें? हे माधव, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। पार्थ, मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं और इसलिए वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो हमें इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, मुक्ति तो आप सबको केवल महादेव ही दिला सकते हैं। और क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते, वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में गए हैं। अगर आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको केदार क्षेत्र में जाना होगा। उचित है, उनके दर्शन करने के लिए हमें कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे और मुक्ति पाकर ही वापस लौटेंगे। कल्याण हो। श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। पांचों भाई अब केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़े दिनों के पश्चात वे केदार पहुंच जाते हैं। शिवजी पांडवों को वहां देखते हैं और उन्हें देखते ही वो क्रोधित हो जाते हैं। ये सब यहां भी पहुंच गए, किंतु मैं इन्हें दर्शन देना नहीं चाहता। मैं बैल का रूप धारण करके उन गाय और बैल के झुंड में शामिल हो जाता हूँ। वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। शिवजी बैल का रूप धारण करके अन्य गाय और बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांचों पांडव शिवजी को ढूंढ रहे थे। भ्राता युधिष्ठिर, यहाँ तो कहीं पर भी महादेव नहीं दिख रहे। श्री कृष्ण ने तो कहा था वो यही है। हाँ अर्जुन, इतने में भीम की नजर पशुओं के झुंड पे पड़ती है। उसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग दिखता है। उसको देखकर भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। भ्राता युधिष्ठिर, वो बैल को देखिए, वो बैल आपको बाकी अन्य बैलों से भिन्न नहीं लगता? हाँ भीम, वो भिन्न तो है, किंतु भीम थोड़े मुस्कुराते हैं। हाँ, तो ये बात है। क्या हुआ भैया? अर्जुन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। भीम अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला देते हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया है हमें भ्रमित करने के लिए। अब अन्य सारे पशु मेरे दो पैरों के बीच में से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, बाकी सारे जानवर भीम के दो पैरों के बीच से होकर निकल गए, सिर्फ एक बैल को छोड़कर। ये देखकर बाकी चारों पांडवों ने भी शिव जी को पहचान लिया। अब शिव जी बैल रूप में वहां धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने तुरंत ही बल से बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। शिव जी बोले, अब तो मुझे इन पांडवों के समक्ष प्रकट होना ही पड़ेगा। शिव जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं
और भीम भी। पांचों पांडव शिवजी के समक्ष नतमस्तक खड़े रहते हैं। मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुआ। मैं तुम पांचों को भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त करता हूं। आपको कोटि कोटि वंदन महादेव। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर और भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाकर हम पांडव धन्य हुए। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपका पीठ का भाग यहीं पे स्थापित हो गया, इसलिए युगो युगो तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहाँ पे पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहाँ पे आपकी भुजाएं प्रकट हुई हैं, वहाँ आप तुंगनाथ के रूप में, जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ वहाँ रुद्रनाथ के रूप में, जहाँ पे आपकी जटा प्रकट हुई वहाँ कल्पेश्वर के रूप में, और नाभि जहाँ प्रकट हुई वहाँ आप मद महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से दोस्तों आज भी इन चारों स्थानों के सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।